हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोशनीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्थी और टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है हरी मूंग दाल और चना, जिसे हमने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। अब हम इसे ढक के अंकुरित होने के लिए छोड़ देंगे। और अब ये है सोया सीड्स, इसे भी हमने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। अब हम सोया सीड्स को ग्राइंडर में डालेंगे। और फिर 1 कप ऑफ वाटर ऐड करेंगे। और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ है 3 हरी मिर्च। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। 4 चम्मच सूजी। 4 चम्मच बेसन। 1 चम्मच फिर आधी चम्मच रोस्टेड किया हुआ जीरा पाउडर। और नमक हम अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी। 1/2 चम्मच अजवाइन। और अब ग्राइंडर में हम जो हमारे अंकुरित किए हुए चने और हरे मूंग दाल को डालेंगे। फिर इसमें 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे और छोटी कटोरी में वाटर डालेंगे और इन सभी का पेस्ट बना लेंगे। और अब यहाँ पर जितने भी मसाले और हरी मूंग दाल चना सोया सीड्स का पेस्ट है, सब हमने इसमें डाला है। और फिर ये 2 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। फिर दही ऐड करेंगे, ये घर की बनी हुई दही है। 4 चम्मच दही ऐड करेंगे हम। ये बड़ी चम्मच से 4 चम्मच दही। और अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। ये अभी थोड़ा थिक है। अब हम इसमें छोटी कटोरी पानी ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पैन लिया है, लो फ्लेम में लीजिएगा। और फिर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। फिर ब्राउन ब्रेड को हम डिप कर लेंगे हमारे मिक्सचर में। फिर कुक करेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। और फिर थोड़ा सा और तेल डालेंगे और अच्छे से कुक करेंगे। फिर 1 चम्मच ऑयल लेंगे, फिर डिप करेंगे हम अपने मिक्सचर में और अब कुक करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्रेस कर करके हम करेंगे। फिर इसमें थोड़े से ऑयल डालेंगे। ध्यान रखिएगा ये पूरा प्रोसेस लो फ्लेम में होना चाहिए, वरना हाई फ्लेम करेंगे तो इससे हमारा ब्रेड जो है ब्राउन ब्रेड वो जल सकता है। इसी प्रोसेस से हम धीरे धीरे करके अपने सारे ब्राउन ब्रेड्स को मिक्सचर में डिप करके बना लेंगे प्रेस कर करके। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे।
ऐसे ही हम सबको कर लेंगे। और देखिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। जितना अच्छा ये लग रहा है उतना अच्छा ये खाने में भी है। हमने इसे सॉस के साथ सर्व किया है, ये घर की बनी हुई सॉस है। सो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुँचे।